दोस्तों, अगर आप भी अपने Xiaomi Redmi या Poco स्मार्टफोन को Gojo Anime सेटअप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम KWGT का यूज़ करके आपके स्मार्टफोन को कुछ ऐसा लुक देने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे लॉक स्क्रीन भी आपको यहाँ पे फुल कस्टमाइज देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है तो एंड तक वॉच करना। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस सेटअप को क्रिएट कर पाओगे। सेटअप को अप्लाई करने से पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर की एप्लीकेशन ये वाली डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो KWGT कस्टम विजिट मेकर, एंड यहाँ पे आपको पेड वर्जन देखने को मिलेगा, एंड आप इसको गूगल से फ्री भी निकाल सकते हो या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको एक सेकंड एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद अब बारी आती है थीम्स को अप्लाई करने की। तो थीम्स को अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे चार आइकन ऐड कर लेना, एंड यहाँ पे आपको गूगल की विजिट ऐड करनी है, उसका कलर आप ब्लैक कर लेना। उसके बाद बात करते हैं थीम्स को कैसे डाउनलोड करना है। तो थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर की थीम डाउनलोड करना पड़ेगा जियान ब्लैक के नाम से। तो सिंपल आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, एंड ये थीम आपके सामने अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है आइकन्स को चेंज करने की। तो आइकन्स को चेंज करने के लिए बेसिकली आपको फ्लावर UI थीम का यूज करना पड़ेगा। तो कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाना, आइकन के ऊपर टिक लगा के इसको अप्लाई करना है, एंड ये वाली थीम आपके सामने अप्लाई हो जाएगी। बट आप जैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है वो चेंज हो जाएगा, इसको आपको वापस से रीचेंज करना पड़ेगा। बट उससे पहले आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर लेना। तो लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए बेसिकली आपको ये वाली थीम डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक प्रीमियम क्लॉक विजिट मिलती है। तो आप जैसे अप्लाई करोगे आपके सामने ये वॉलपेपर शो होगा, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर कैसे रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको चेकआउट करने के बाद आप अपने लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज कर पाओगे। उसके बाद आपको कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाना है, लॉक स्क्रीन के ऊपर टिक लगा के इसको अप्लाई करना है। उसके बाद आपने जो फर्स्ट नंबर पर थीम डाउनलोड किया था जियान ब्लैक के नाम से, उसको आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाना, सिस्टम के ऊपर आपको इसका टिक लगा के इसको अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे आपके सामने सभी थीम्स अप्लाई हो जाएगी, एंड कंट्रोल सेंटर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे वॉलपेपर एंड KWGT को यूज करने की। तो पहले KWGT को यूज करते हैं। तो आप क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर जूम इन करना, विजिट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नीचे की तरफ आपको स्क्रोल करना है। यहाँ पे आपको 1:1 की क्लॉक विजिट मिल 1:1 की आपको यहाँ पे कस्टम विजिट देखने को मिलेगी, इसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा रहा हूँ, आप भी कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना। एंड यहाँ पे देखो मैंने आपको कुछ ऐसे ऐड करके दिखा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे मैंने टाइम वाली KWGT आपको डाउनलोड करवाया था, तो आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 44 नंबर की आपको ये वाली विजिट देखने को मिल जाती है, तो इसको आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करोगे, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। सेटिंग्स आप यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप जैसे देखो नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे आपके सामने Text 1 and Text 2 का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेकंड वाला टेक्स्ट देखने को मिलता है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो PM होता है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, उसको आपको यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको जो फर्स्ट नंबर का टेक्स्ट देखने को मिलता है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो M सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने M टाइप होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने कीपैड ओपन हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे कट कर देना। कट करने के बाद अटारू टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे राइट करना है, एंड यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। बट आप देखोगे आपको इसकी साइज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो इसकी साइज को 26 रखना है। एंड यहाँ पे आप जाओगे पोजीशन वाले ऑप्शन में, तो पोजीशन वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे जो एक्स वाली रो देखने को मिलती है इसको आपको 0 रखना है, वाई वाली रो को आपको यहाँ पे 130 रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको सेव का आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड ये विजिट आपके सामने ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टच का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स खाली देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना, एंड वापस से आप यहाँ पे सेव कर देना, एंड जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है उनको यहाँ पे ऑफ कर देना। एंड आप देखोगे आपको कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको होम स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज करना है। होम स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज करने के लिए मैंने खुद से वॉलपेपर मॉडिफाई कर रखा है, क्वालिटी आपको एकदम प्रीमियम देखने को मिलेगी। सिंपल आपको
आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेट वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना है एंड होम स्क्रीन के ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है एंड कंप्लीट आपका सेटअप अप्लाई हो जाएगा। तो कंप्लीट सेटअप को अप्लाई करने के बाद आपके सामने होम स्क्रीन डिजाइन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे अगर आप लॉक स्क्रीन को ऑन करोगे तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैंने जो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर अप्लाई कर रखा है दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो ये था एक छोटा सा सेटअप, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।